फ्रेंड्स, आई एम हिमानी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ हैप्पीनेस कोच। जब मैं यूके आई थी, जिसमें मेरे लंदन एंड लेस्टर में प्रोग्राम्स हुए, तो आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तब से बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऑनलाइन काउंसलिंग्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम सीखते हैं। तो मुझे यूके के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि मैम, यूके में इस पैंडेमिक में सिचुएशन बहुत सीरियस है, हम घर बैठे बैठे निगेटिव हो रहे हैं, तो प्लीज हेल्प अस। एंड दैट्स व्हाई आज हिमानी हैप्पीनिज्म एंड शांति धाम साथ में मिलकर आपके लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके आया है। एंड दैट गिफ्ट इज 7 वीडियो सीरीज टू मेक योर लाइफ पॉजिटिव इन दिस पैंडेमिक। तो यस, आज शांति धाम के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने आ चुकी हूँ 7 अलग अलग वीडियोस के द्वारा। हम कुछ समय के अंदर आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव कैसे लाना ये जानेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो की। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन दिस पैंडेमिक। सो आज मैं आपको इस पैंडेमिक में पॉजिटिव कैसे रहना ये सिखाने वाली हूँ। इस पैंडेमिक की जब से शुरुआत हुई है, मैंने देखा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, कंप्लेन किए जा रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। एंड ये आपको कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जब तक आप अपने एटीट्यूड को, अपनी थॉट्स को, अपने नेचर को नहीं बदलेंगे, तब तक कहते हैं हमारे आसपास की सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। एंड कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, बट उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना ये तो हमारे हाथ में है। तो आज मैं आपको खुद से अंदर से कैसे एक बदलाव लाना उसके बारे में बात करने वाली हूँ। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम 5 डिफरेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस पैंडेमिक। द फर्स्ट टॉपिक इज लर्निंग। इन दिस पैंडेमिक दो वी हैव लॉट्स ऑफ कंप्लेंट्स, बट दिस पैंडेमिक टॉट अस मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स इन अवर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने क्या सीखा? हमारा घमंड, हमारा ईगो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर इस प्रकृति के सामने हम इंसानों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, हमारे घमंड का कोई लेवल ही नहीं है। हम कितनी हद तक इस नेचर को पॉल्यूट कर रहे हैं, आज इस नेचर के कहते हैं कि बिल्कुल हम इसकी कदर नहीं करते हैं, नेचर को निग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो याद रखना, जब प्रकृति को निग्लेक्ट करोगे और अगर प्रकृति सामने हमें निग्लेक्ट करना शुरू कर दे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इस पैंडेमिक में नेगेटिव होने से अच्छा है कि इसमें से क्या क्या हमने जीवन में सीखा वो सीख को अपनाओ। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर हमेशा प्रकृति की केयर करके नेचर के साथ जीने में ही सही समझदारी है। तो क्यों ना हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, इस बात से, इस लेसन को ले एंड प्रकृति को बचाने का कोई ना कोई प्रयास अपने हिसाब से शुरू कर दे। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग एंड दैट इस पैंडेमिक ने हमारी कंप्लेंस को, जो रूटीन लाइफ में चलती थी, उसको तो जीरो ही कर दिया है ना। सही में हमें जिंदगी में कुछ कुछ चीजों की वैल्यू करनी जरूरी है, बिकॉज हम हमेशा अपने कंप्लेन मोड में रहते हैं एंड कंप्लेन तभी तक टिकती है जब तक वो चीज होती है। जैसे ही वो चीज चली गई, हमारे कंप्लेन की कोई औकात ही नहीं रही। सिंपल, जब हमारा रूटीन लाइफ चल रहा था, हमें कितनी कंप्लेन थी, यार मुझे तो शांति से वक्त ही नहीं मिलता, शांति से घर बैठने का समय नहीं मिलता, घर पे छुट्टियों पे रहने का टाइम नहीं मिलता, बच्चों को अपनी कंप्लेन होती है कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, कॉलेज में नहीं जाना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उसको जॉब पे नहीं जाना है, ट्रैफिक की हमें कंप्लेन है, घर से बाहर जाने की हमें कंप्लेन है, राइट? और हम कितने त्रस्त थे इन सारी बातों से। एंड सडनली ऐसा एक झटका आया, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, एंड सडनली ये सारी कंप्लेन जीरो हो गई ना। बट अब हमारी कंप्लेन ये है कि यार ये बहुत हो चुका लॉकडाउन, हम वापस कब अपनी रूटीन लाइफ पे जाएंगे। अब हर एक इंसान अपनी रूटीन लाइफ पे जाने को तरस रहा है, स्टूडेंट्स को स्कूल जाना है, बिजनेसमैन को अपनी जॉब पे जाना है, ऑफिस में जाना है, एम्प्लॉयज को जाना है। तो कहने का मतलब, कई बार जिंदगी में ऐसा तो नहीं कि हम जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सही में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो हमारा एटीट्यूड ही कंप्लेन करने का है, इसीलिए हम कंप्लेन किए जा रहे हैं। बट अगर पॉजिटिवली देखें तो वही चीज जिसकी हम कंप्लेन कर रहे हैं, शायद वही हमारे आसपास से चला जाए, तो हम शायद हमारी हालत कितनी खराब हो जाए। एग्जाम्पल, हम लोगों को भी कंप्लेन करते हैं ना, ये ऐसा वो ऐसा, और कहते हैं इंसान की सारी कंप्लेन खत्म हो जाती है जब वो इंसान उस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बाद में सारी कदर होने लगती है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये भी है इस कोरोना में कि आज से ही अपनी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है, बट कंप्लेन करना बंद कर दो। कंप्लेन इज नॉट अ सॉल्यूशन,
right? If you want solution, then you have to think positive. The first important part, if you really want to be positive in this pandemic, then you have to learn from all the situations. Second important thing, if you really want to be positive in this situation, then you have to change your thinking pattern. Because, my dear friends, you don't know that how powerful your thoughts are. Your thoughts are an energy, and it says that energy flows where the attention goes. हम जहाँ पे भी ऊर्जा मतलब हम जहाँ पे भी सोच लगाते हैं वहाँ एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाता है, वही चीज जिंदगी में आना शुरू हो जाता है. इफ यू हैव हर्ड अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट टीचेस अस दैट इफ वी थिंक पॉजिटिव देन वी अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ, इफ वी थिंक नेगेटिव देन वी अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ. हमें जिंदगी में सिंपल बात करें तो जो भी कुछ चाहिए खुद को ही ऑब्जर्व करके हम उसे पा सकते हैं. इफ यू रियली वांट अ पॉजिटिव फ्यूचर देन वी हैव टू बी पॉजिटिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट. इफ यू रियली वी आर नॉट टेकिंग एनी केयर ऑफ दिस सिचुएशन, और अगर हम नेगेटिव है देन वी विल अट्रैक्ट नेगेटिव सिचुएशंस इन आवर लाइफ. सो दैट मीन्स इफ यू रियली वांट टू चेंज द रिजल्ट यू हैव टू चेंज योर फोकस, यू हैव टू चेंज योर थॉट्स. एंड दैट्स व्हाई आज से ही अपने विचारों को बदल दीजिए, विचारों को पॉजिटिव दिशा में ले जाइए. बिकॉज इट इज वेल सेड दैट इफ यू विल चेंज योर थॉट्स इट विल चेंज योर फ्यूचर. क्यों? क्योंकि सोच को बदलो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. अपने बिहेवियर में चेंज लाओ तो आपके धीरे धीरे नेचर में चेंज आएगा, एंड आपके नेचर में चेंज लाओ तो आपके फ्यूचर में चेंज आएगा. बिकॉज योर नेचर इज योर फ्यूचर. तो पूरा दिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पावरफुल फ्यूचर आपके लाइफ में आए. तो अगर आप उन परिस्थितियों को बदलना है तो आज भी वर्क करना होगा. सिंपल, योर माइंड इज लाइक अ फर्टाइल लैंड. इसके अंदर जो भी बीज गया वैसा वृक्ष बाहर आएगा. इफ यू वॉन्ट मैंगोज तो आपको मैंगो के बीज भी तो बोने पड़ेंगे ना. अगर आप बबूल के बीज बोते हैं, मैंगो की उम्मीद करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता. तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पहले आज से ही अपने विचारों के तरीके को बदल दीजिए. हर चीज में देखने जाए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है. उस पॉजिटिविटी को तराशना शुरू कर दीजिए. गॉट इट? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगर आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अंदर से कोरोना के डर को खत्म कर दीजिए. इट्स हाई टाइम नाउ कि अब हम डरना बंद कर दें, क्योंकि कितने डरे हैं हम पिछले एक साल में, और इस डर ने ही हमारी हालत खराब कर दी है. आप जानते हैं आपकी इम्यून सिस्टम इतनी पावरफुल है, हम आगे की वीडियो सीरीज में हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे, कि वो कोई भी वायरस का सामना कर सकती है. इतनी पावरफुल शक्ति भगवान ने हमें दी है, बट आज वो सिस्टम काम नहीं कर रही है. उसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डर. बिकॉज जब हम डरते हैं वो सबसे ज्यादा लॉस हमारे इम्यून सिस्टम पे करता है. That's why हमारी इम्यून सिस्टम वीक हुई पड़ी है, और कोई भी प्रकार के वायरस को हम जल्दी से बॉडी में अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, कोरोना से भी खतरनाक क्या है? कोरोना का डर. क्योंकि कोरोना तो शायद इंसान को एक बार मारता है, पर कोरोना का डर तो इंसान को पल पल मारे जा रहा है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है. इफ यू रियली वांट टू बी पॉजिटिव देन सारे डर को निकालो, अंदर से एक विश्वास जगाओ कि मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ रहूंगा. अगर कभी इन्फेक्टेड हो भी गया तो भी मैं उसमें से बाहर आ जाऊंगा. ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है. काइंड ऑफ ये जो डर आपके अंदर बना हुआ है कि मर जाऊंगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो वो सारे थॉट्स निकाल दीजिए उसको बहुत ही अंदर से. हाँ, प्रिकॉशंस बाहर आप 100% सीरियसली लीजिए, बट अंदर से सीरियस मत बनिए. अंदर से इस डिसीज को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दीजिए. बिकॉज अब इस दुनिया में ऐसी सिचुएशन आई है कि इसका सामना हमें करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कॉन्फिडेंस के साथ सामना करें. क्योंकि डर से अच्छा कॉन्फिडेंस है. डर एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डाउन करेगी, और कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव एनर्जी है जो नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको ऊपर पहुंचाएगी. लाइक वाइज आपको जीवन में ग्रोथ देगी, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी, आपके जीवन को स्ट्रेंथन करेगी. पॉइंट नंबर 4, जिंदगी में आप किस चीजों में फोकस करते हैं ये बहुत मैटर करता है कि आप पॉजिटिव रहेंगे कि आप नेगेटिव रहेंगे. इस पैंडेमिक में भी पॉजिटिवली देखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी हमारा फोकस कहाँ जाता है? तकलीफ पे. कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें घर पे रहना पड़ रहा है, ये है वो है, इसलिए हम रोते ही रहते हैं. If you will change your focus, then you can definitely change your mood.
then you can definitely change your nature, then you can definitely change your thoughts. ये बहुत इजीली हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फोकस को शिफ्ट करने से. इसके ऊपर हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं. एक इंसान एक कंपनी में जॉब कर रहा था बट उसको वहां पे मजा नहीं आ रहा था. एक दिन वो अपने बॉस को जाके कहता है कि बॉस मैं इस जॉब से क्विट करता हूँ. बॉस कहते क्यों भाई? वो कहते कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस एटमोसफियर. दिस एटमोसफियर इज वेरी टॉक्सिक because all the people are like gossiping for whole day. वो लोग दूसरों की नेगेटिव बातें बोलते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो मैं यहाँ हैप्पी नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू क्विट द जॉब. बॉस कहते ठीक है, तुम्हें टॉक्सिक एटमोसफियर से इतने परेशान हो, बट मैं ठीक है फिर भी तुम्हें जाने के लिए अलाउ करूंगा, बट एक एक्टिविटी तुम करके जाओ. एक कांच के ग्लास में पानी भरो, पूरा भर देना उसके एंड तक, और वो पानी का ग्लास लेके तुम्हें ऑफिस में 5 राउंड लगाने हैं. भले ही उसमें आप शांति से 10-15-20 मिनट टाइम ले लो, बट ऐसा टाइम लो, इस तरह से इसको करो कि एक भी ड्रॉप जमीन पे गिरने नहीं चाहिए. अगर वो गिरे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. वो बोलता ठीक है बॉस, ओके लेट मी डू इट. अगर जाना ही है तो ये एक्टिविटी आपने बोली है करके देख लेता हूँ. पता नहीं उसका मीनिंग क्या होगा, पर्पज क्या होगा, बट लेट मी डू इट बिकॉज माई बॉस सजेस्टेड दिस. तो उसने वो ग्लास लिया, वो जाना शुरू करता है. वो वॉक करता हुआ 5 बार वो चक्कर काटता है एंड फाइनली ही वो सक्सेसफुल, क्योंकि उसने एक भी ड्रॉप पानी धरती पे गिराए बिना वो काम कंप्लीट कर लिया. हैप्पीली वो बॉस के कैबिन में आता है, बॉस अब तो मैं जा सकता हूँ बिकॉज मैंने आपको जो दिया था वो काम 100% सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया. बॉस ने कहा कितना टाइम लगा? वो कहते हैं 20-25 मिनट जितना लग गया बिकॉज मैं बहुत शांति शांति से चल रहा था. बॉस ने कहा वेरी गुड, अब मुझे बता कि इन 20-25 मिनट्स में तूने क्या ये देखा कि बाकी के एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, क्या वो किसी की गॉसिप कर रहे थे? ये कहता है नहीं मेरा ध्यान नहीं था. अच्छा बाकी के लोग वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? ये कहता है पर मेरा ध्यान ही नहीं था. अच्छा वो नेगेटिव बातें कर रहे थे? ये कहता है पर बॉस मैं तो इसमें ही फोकस था तो मैंने उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया. बॉस कहते हैं डन, तो माई डियर फ्रेंड तेरा सॉल्यूशन मिल गया. तुझे ये एटमोसफेयर तभी टॉक्सिक लग रहा था बिकॉज तू इस पे फोकस कर रहा था और लोग क्या कर रहे तू वो देख रहा था. क्यों इन 20-25 मिनट में तेरा ध्यान नहीं गया? बिकॉज तेरा टास्क के ऊपर फोकस था. एंड जब जिंदगी में तू फोकस को चेंज कर लेगा तो तेरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे. हम हमारे लाइफ में यही तो करते हैं. हम हमारे ग्रोथ, हमारी लाइफ में कोई अचीवमेंट, कोई डेवलपमेंट के फोकस को छोड़ के पूरी नेगेटिव खबरों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. मैं तो आपको खास कहना चाहती हूँ इस पैंडेमिक के अंदर भी जितने भी लोग पूरा पूरा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, पूरा दिन खबरों के बारे में सोचते रहते हैं, कोरोना के बारे में सोचते रहते हैं, अब बस करो, बहुत हो गया. अब अपना थोड़ा सा फोकस खुद पे लाओ. सी इस पैंडेमिक में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात देखनी चाहे तो ये है कि इतना टाइम आज मिल गया, जब हमारी रूटीन लाइफ शुरू होगी तो कभी इतना टाइम मिलने वाला नहीं है. शायद घर पे रहने का इतना मौका नहीं मिलेगा, शायद परिवार के साथ रहने का इतना मौका नहीं मिलेगा. तो ये मत सोचो क्योंकि वापस अभी आपको जब रूटीन लाइफ में बिजी थे तो कंप्लेन आपको ऐसी थी कि घर पे शांति से कब रहने को मिले. अब घर पे रहने को मिल रहा है तो हमें कंप्लेन है कि हम रूटीन लाइफ में वापस कब जाएंगे. तो फिर जब तक अपना फोकस चेंज नहीं करोगे आपकी रूटीन का सिलसिला चलता ही रहेगा. सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर फोकस नाउ. तो आज इस पैंडेमिक के ऊपर से फोकस हटा के मैं इस समय में कैसे डेवलपमेंट करूं, मैं कैसे ग्रोथ करूं, मैं कैसे बेहतर बनूं, ये चीजों के बारे में, मेरे गोल्स क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, आज कोई प्रॉब्लम बिजनेस में अगर आया है तो उसमें से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं, ये विचार करना शुरू कर दीजिए. हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आया तो बस प्रॉब्लम 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 रोते ही रहते हैं, पकड़ के ही बैठे हैं. एंड इसीलिए प्रॉब्लम का इतना डिस्कशन और इतना फोकस है, इसीलिए हमें सॉल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा, राइट? So shifting your focus is the best solution to stay positive in this pandemic. And the last and the most important point is 5th. अभी मुझे पता है कि यूके में तो सीरियस थोड़ी सिचुएशन है, बाहर जाना इतना अलाउड नहीं है और लोगों का यही कंप्लेन है कि हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते. इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, देन गो इनसाइड, राइट? दिस इज द बेस्ट चांस. दोस्तों बाहर की दुनिया के साथ तो बहुत वक्त बिता लिया, पर थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिता लो. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप दिन में 10 मिनट खुद के साथ नहीं बिताते तो इस धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका आप चूक रहे हैं. यानी कौन है वो इंसान? हम खुद. और हमने सेल्फ को जानने के लिए कितना समय दिया, सेल्फ के ऊपर कितना समय दिया? नहीं. This is the best time जब आप outside नहीं जा सकते, आप inside जाइए. और inside जाने के लिए तो I will suggest you कि meditation से बेहतर कोई way नहीं है.
मैं आने वाली सीरीज में मेडिटेशन के ऊपर भी बात करूंगी, बट मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू मेक योर माइंड पॉजिटिव। तो इस पेंडेमिक में भी पॉजिटिव रहना चाहते हो तो दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दो एंड सी द ब्यूटिफुल चेंज इन योर लाइफ। सो आई होप कि आज के ये 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। लेट मी रिवाइज यू। फर्स्ट, लर्निंग करना है हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन से जिससे आप पॉजिटिव रहे। सेकंड, अपने थॉट्स को 100% चेंज कर देना है। थर्ड, डर में से बाहर आना है। फोर्थ, फोकस को शिफ्ट करना है। एंड फिफ्थ, मेडिटेशन करना है। एंड डेफिनेटली आई अश्योर यू, अगर आप ये 5 रास्तों को अपनाएंगे तो इस पैंडेमिक में भी आप पॉजिटिव रह पाएंगे, इसका सामना करेंगे और जल्दी हमारी रूटीन लाइफ में वापस चले जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आगे सुनने के लिए, बिकॉज हमारे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज आ रहे हैं, तो इस वीडियो सीरीज को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो है लिव योर लाइफ फुल्ली, लव योर लाइफ फुल्ली, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।